रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम माई किचन। आज किचन में मेरी सिस्टर मेरा साथ दे रही हैं, तो आज उनको हमने वेलकम किया किचन। उनकी बड़ी फरमाइश पे थी आज मैं बनाने लगी हूँ आइसक्रीम। वो कह रही थी मुझे आइसक्रीम की रेसिपी चाहिए, तो सोचा मैंने आज वो घर आई हुई है तो क्यों ना आइसक्रीम बनाई जाए। आज हम बनाने वाले हैं मैंगो आइसक्रीम। तो मैंगो आइसक्रीम के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें आप देख लें, हमें चाहिए एक अदद क्रीम चाहिए टेट्रा पैक की, एक कैन मैंने कंडेंस्ड मिल्क का लिया है, एक कप चीनी ली है और मैंगो प्योर ली है। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने आइसक्रीम बनानी है। जब आप ये आइसक्रीम घर में ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पर फीडबैक ज़रूर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें अच्छा लगता है कि आप लोग हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और हमें हमारी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ग्राइंडर ले लिया, मिक्सी ले ली है, उसमें सबसे पहले हमने अपनी क्रीम ऐड करनी है। क्रीम ऐड कर देंगे और क्रीम को हमने इतना व्हिप करना है ग्राइंडर में कि ये फूल जाएगी बहुत ज़्यादा। इसका जो क्रीम है लुक है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ इसको ग्राइंड करने के बाद। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मीठे के हिसाब से अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड करेंगे, कम डालने तो कम डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं। अब हम इसको फिर दोबारा से 5 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे। 5 मिनट बाद हमने अपनी जो क्रीम है हमने व्हिप कर ली है, ये देखिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कंडेंस्ड मिल्क। अब इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अपनी मिक्सी को दोबारा से चलाएंगे ताकि जो ये दोनों चीज़ें हैं इनकी अच्छी तरह बाइंडिंग हो जाए। यहाँ चम्मच लें, चम्मच के साथ उतना भी लगा हुआ ना इसका। मेरी सिस्टर आज किचन में मेरे साथ हैं, वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही हैं साथ साथ। जी हमारा ये मिक्सचर जो रेडी हो गया है आइसक्रीम का, ये देखें ये ठीक हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना फ्लेवर। मैं मैंगो जो ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो कुछ स्ट्रॉबेरी का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने आइसक्रीम बनानी है उसका फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, बनाना का स्ट्रॉबेरी का। ये देखें आपने इसमें ऐड कर देना, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा फ्रीज करेंगे, देन हमारी आइसक्रीम जो है वो रेडी हो जाएगी। हमारा जो मिक्सर है महलूल तैयार हो गया है फ्रिज में रखने के लिए। गर्मियाँ और आइसक्रीम ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैंने आइसक्रीम तैयार की है अपनी सिस्टर के लिए। वो किचन में मेरे साथ खड़ी है लेकिन बोल कुछ नहीं रही। आप कुछ कहना चाहेंगी बताएं? स्पेशल मैंने आपके लिए आइसक्रीम तैयार की है, मज़ा आ रहा है कि नहीं? बनी है आइसक्रीम की, अलग अगर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी आइसक्रीम जो तैयार हो गई है, अब इसको टेस्ट करने लगे हैं आइसक्रीम को। ये देखिए जी हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है। वाह ज़बरदस्त, ये देखिए जी हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई। अब इसको करेंगे टेस्ट। आप लोग इसको घर में बनाएं और ट्राई कीजिएगा ज़रूर, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़बरदस्त नाम, बहुत अच्छी बनी है। बाजार की मैं कहता हूँ कि आप भूल जाएंगे, घर की बनी हुई नेचुरल कुदरती तौर पे तमाम जो हैं वो मैंगो इसमें डाले हैं और बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा टेस्ट आ रहा है। कोई इसमें वो नहीं है, केमिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ज़बरदस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।